नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एसेंशियल्स ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम. सो क्या चीजें जरूरी होती हैं एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम के लिए. सबसे पहले इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट. एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल सबको समझ में आना चाहिए और कॉम्प्लिकेटेड या इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए कि दिक्कतें आए. ठीक है, क्योंकि क्या होगा जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज है अगर उन्हें नहीं समझ में आएगा तो उनके अंदर उस चीज को लेके एक्सेप्टेंस नहीं आएगी और वो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को उतना ज्यादा अप्रूव नहीं करेंगे. सो इसलिए इस तरीके से हमें डिजाइन करना चाहिए कि सबको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है, आपका परफॉर्मेंस कैसे अप्रेज किया जा रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो अपना परफॉर्मेंस डिलीवर कर सके. सेकेंड पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम दी एम्प्लॉयज. वही जो अपन बात कर रहे थे उससे ही लिंक्ड है कि हमें एम्प्लॉयज से सपोर्ट मिलना चाहिए जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर उस चीज को लेके एक्सेप्टेंस नहीं होगा, इफ दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रोसेस, तो उतना फ्रूटफुली कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे एंड ऑल द मोर दे आर गोइंग टू अपोज इट. और साथ ही साथ में जहां पे ट्रेड यूनियंस ऑपरेट करती हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो सकता है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है. सो क्या होता है, एक अच्छा सपोर्ट मिले हमें एम्प्लॉयज के लिए, उस हिसाब से हमें परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम डिजाइन करना चाहिए. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी शुड डिस्कस दिस अप्रेजल प्रोसीजर विद द एम्प्लॉयज. हम एम्प्लॉयज के साथ एक बार डिस्कस करें, उनका भी ओपिनियन लें. जहां पे ट्रेड यूनियंस ऑपरेट करती है वहां हम उन यूनियंस का ओपिनियन लें, अकॉर्डिंगली मिलकर फाइनलाइज करें. जब हम मिलकर फाइनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वील गेट दी सपोर्ट from the employees. Then comes wide publicity. जो हमारा performance appraisal है, that should be given wide publicity for the information and guidance of employees. है ना? क्यों? This will make them conscious and alert about the appraisal procedure और उसके benefits. कि इससे वो alert और cautious हो जाएंगे कि हमारा क्या performance appraisal procedure है, उससे उनको क्या मुनाफे हो सकते हैं. And the opposition to appraisal will be limited when it is given wide publicity through notices and posters. Because लोगों को पता तो रहेगा क्या system हम follow कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको लोगों तक वो information पहुंचाना बहुत जरूरी है. Then comes suitability to the organization. Performance appraisal जो आप design करो वो आपकी organization के लिए suitable होना चाहिए. Because there are n number of ways by which you can, you know, design your performance appraisal system. लेकिन वो आपकी organization के लिए suitable होना चाहिए. आपका जो system है, that must get adapted to the organization structure which you have. So ये चीज़ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है. Then comes reliability. Your appraisal should be scientific and reliable. है ना? Scientific process होना चाहिए, reliable होना चाहिए. Reliability से क्या मतलब है? कि यहाँ पे कोई scope partiality या favoritism का नहीं होना चाहिए. अगर किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसे अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा. एक को मिल रहा है तो दूसरे को भी मिलेगा. ऐसा नहीं कि एक को मिल रहा है लेकिन दूसरे को नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि वो बॉस का फेवरेट नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट्स व्हाई द प्रोसेस व्हिच यू डेवलप मस्ट रियली बी वेरी मच रिलायबल एंड मस्ट बी यूनिफॉर्म फॉर ऑल एट ऑल टाइम्स. सबके लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और एक ही तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए. उसमें पार्शियलिटी या फेवरेटिज्म का चांस नहीं होना चाहिए. और जो एक रिलायबल अप्रेजल सिस्टम रहेगा उसको डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टैब्लिशिंग अ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. इन अ गुड अप्रेजल द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड बी क्लियर एंड वेल डिफाइंड. ये बहुत जरूरी है कि आपके जो गोल्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं परफॉर्मेंस के, वो क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए. इट मस्ट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन. और साथ ही साथ में इस चीज का भी ध्यान रखने की हमें जरूरत है कि जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो हर एक क्लास ऑफ एम्प्लॉय के लिए डिफरेंट हो जाते हैं. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो एक टॉप मैनेजर के रहेंगे वो अलग रहेंगे, जो एक मिडिल लेवल मैनेजर के रहेंगे वो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अलग रहेंगे, और जो एक फ्रंटलाइन सुपरवाइजर होता है उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एकदम अलग हो जाएंगे. तो आप किस क्लास के लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली आपको आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए. Then comes provision for incentive. The performance appraisal should provide incentive to those who show satisfactory performance, and such incentives may be increment, promotion, or it can be any other thing. Such incentive creates a favorable impression on the employees. They take more interest in the work and show good performance in order to get benefit of the incentive. So, क्या होता है? हमें provision रखना चाहिए incentive का. क्योंकि क्या होता है, इंसेंटिव के लालच में व्यक्ति ज्यादा काम करता है और ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर रहता है कि यार मैं अगर इतना टारगेट अचीव कर लूंगा तो मुझे ये इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा. दिस इज आई हैव पर्सनली विटनेस्ड इन माय लाइफ कि जो हमारी सेल्स टीम थी, जब टारगेट अचीवमेंट का टाइम आता था तो बहुत सारे अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स होते थे.
कुछ इंडिविजुअल इंसेंटिव्स होते थे, कुछ ग्रुप इंसेंटिव्स होते थे. तो जब वो इंसेंटिव अचीवमेंट का टाइम आता था तो बहुत एक कॉम्पिटिशन सा सारी टीम्स में हो जाता था. एंड दे यू नो दे यूज टू इवन वर्क आफ्टर द वर्किंग आवर्स टू गेट द टारगेट्स डन. क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था अगर हम इतना टारगेट अचीव कर लेंगे तो हमें ये इंसेंटिव मिलेगा, विच इज यू नो गुड इन नंबर फॉर इंडिविजुअली ऑल्सो एंड ग्रुप वाइज ऑल्सो. सो ये चीज बहुत ऑर्गेनाइजेशंस करती है क्योंकि वो चाहती है कि एम्प्लॉय से हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सके. सो हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रोविजन होना ही होना चाहिए इंसेंटिव्स के लिए. देन कम्स पीरियोडिक रिव्यू. पीरियोडिक रिव्यू यानी हम अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल को कितने टाइम पीरियड में रिव्यू करेंगे. इट शुड बी रिव्यूड पीरियोडिकली ताकि हम उसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर सके और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अप्रेजल एज पर द चेंजिंग सिचुएशन. क्योंकि हमारा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम है ऐसा नहीं कि आज हमने बना लिया, से 20 साल बाद 25 साल बाद भी हम वही परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं. नहीं, बिकॉज वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड विद द चेंजिंग टाइम्स. सो इसलिए उसके हिसाब से हमें अपने अप्रेजल सिस्टम में चेंजेस लाते रहना चाहिए. और वो चेंजेस लाने के लिए जरूरी है कि जो हमारा अप्रेजल प्रोसीजर है वो फ्लेक्सिबल हो, राइट, और हम पीरियोडिकली उसको रिव्यू करते रहे कि हमें अब क्या बदलाव करने की जरूरत है अपने अप्रेजल सिस्टम में. द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रेटर. द टर्म रेटर मींस द पर्सन हु एक्चुअली स्टडीज द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड स्टैंडर्ड्स. ही मे बी अ सुपीरियर एग्जीक्यूटिव और अ सुपरवाइजर ऑफ द सेक्शन. समटाइम्स एक्सपर्ट्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर द अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉयज. कौन रेट करेगा परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का, है ना, उसका प्रॉपर सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आपने ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया जिसे ना उस जॉब के बारे में पता है, ना उस जॉब प्रोफाइल के बारे में पता है और कुछ भी नहीं पता कि क्या टारगेट्स हैं, तो वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा परफॉर्मेंस अप्रेजल कंडक्ट नहीं कर पाएगा. इसलिए आप किसे चूज कर रहे हैं एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एज पर द फिक्स स्टैंडर्ड, वो देखना बहुत जरूरी है. या तो उसका कोई वो सुपरवाइजर हो सकता है जो उसका बॉस है, है ना, या वो कोई ऐसा एक्सपर्ट हो सकता है जिसे पूरी जानकारी हो इन सब चीजों के बारे में और वो उस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेज करे. तो सोच समझ के साथ एक रेटर को सिलेक्ट करना चाहिए. देन नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इट शुड बी मेड फ्रीक्वेंटली. देयर शुड बी पीरियोडिकल असेसमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. तो किस फ्रीक्वेंसी, वो अपन ने पहले भी बात की थी कि हम अपना अप्रेजल 6 महीने में करेंगे, 1 साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, किस फ्रीक्वेंसी के साथ हम अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉय का करेंगे, वो चीज को हमको डिसाइड करना जरूरी है. क्योंकि आज एक एम्प्लॉय ने अच्छा परफॉर्म किया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप करो तो उसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हो. मे बी उसे बहुत अच्छे अवार्ड्स अवार्ड्स मिल गए, उसे लगा अरे मैं तो अच्छा हूं, और वो उसने अपना 100% देना बंद कर दिया हो. तो जब नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल साइकिल आएगी तो उसमें जब उसको अच्छी रेटिंग नहीं मिलेगी तो उसे रियलाइज होगा कि नो, आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, आई नीड टू यू नो करेक्ट माई एटीट्यूड एंड माई परफॉर्मेंस. तो वो थर्ड साइकिल जब आएगी तो उसमें वो मेहनत करेगा दोबारा से. तो इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी अपनी मेंटेन रखनी चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की, कि भाई ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता, बंद नहीं होता. तो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करने के लिए हमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करनी चाहिए और पीरियोडिकली असेसमेंट अपने एम्प्लॉयज का करते रहना चाहिए, राइट. सो ये तो सारे पॉइंट्स थे जो कि हमने देखे, जो कि जरूरी होते हैं एक अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए.